नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। खबर जनपद चंदौली के 381 विधानसभा सकलडीहा से है, जहां आज भाजपा कार्यकर्ताओं के समागम समारोह में स्थानीय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने शिरकत कर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। आपको बता दें कि सकलडीहा विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी सूर्य मुनि तिवारी है। पिछले चुनाव में मोदी लहर के बावजूद यह सीट सपा के खाते में गई थी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी सूर्य मुनि तिवारी पर पुनः भरोसा जताते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए एक बार फिर मैदान में उतारा है। लोकप्रिय चेहरे और हमेशा सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहने के कारण इनकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई है। चूंकि यह सीट भाजपा के लिए विशेष महत्व रखती है, लिहाजा यहां कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए कार्यकर्ताओं का समागम कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री ने इस बार भाजपा की जीत का दावा करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कहा कि 10 मार्च को शिवपुर और जहूराबाद से अरविंद और ओम प्रकाश राजभर का सूपड़ा साफ होगा। सकलडीहा क्षेत्र का राजभर समाज भाजपा के साथ है। योगी मोदी के विकास के तर्ज पर सकलडीहा में इस बार सूर्य मुनि तिवारी के नेतृत्व में विकास की गंगा बहेगी। पर हमारे सकलडीहा विधानसभा के कार्यकर्ताओं का, बूथ अध्यक्षों का प्रत्याशी से परिचयात्मक सम्मेलन है, जिसमें मैं भी यहाँ के सांसद के रूप में निवेदन करने आया हूँ। किस तरह से आप मंत्र देने वाले हैं और किस तरह से मंत्र दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को मतदान के लिए? और मैं कार्यकर्ताओं को ये निवेदन करने वाला हूँ कि एक जिम्मेवार प्रतिनिधि की ज़रूरत है यहाँ से, और उसमें भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार इस क्षेत्र की बहुत ही बेहतर सेवा करेगा। सूर्यमणि तिवारी चेहरा सोनू यहाँ से जो पहले जीत के गए हैं, इस क्षेत्र के विकास और लोगों की सेवा से कोई उनका तात्पर्य नहीं है, मैंने अब तक की जानकारी प्राप्त की है। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में केवल जो DYSP से उन्होंने माथा भिड़ाया था, उसी पर उनका बयान आज तक आया है। यहाँ की कठिनाइयों के लिए कभी उत्तर प्रदेश जैसे पवित्र सदन में एक शब्द नहीं किया। आज मैं अपील करने आया हूँ कि यहाँ से एक मजबूत हौसले का कर्मठ जनसेवी जो 5 साल से जनता के बीच रम रहा है, भाजपा का सिपाही सूर्यमणि तिवारी को भेजें, ताकि मोदी योगी के शासन में, और मैं भी उसमें सहभागी बनूंगा, यहाँ विकास की जो हम लोगों ने राह बढ़ाई है वो और तेजी से चल सके। डॉक्टर, 3 फेज के चुनाव हो गए हैं, चौथे स्थानीय विधायक कहते हैं कि भाजपा की सरकार है, इसलिए हमारे विधानसभा क्षेत्र में काम नहीं हो पाता है। आरोप लगाते हैं, स्थानीय विधायक का आरोप निराधार है, और स्थानीय विधायक ने आज तक विकास के संबंध में, मैं 7.5 साल से MP हूँ, कोई पहल नहीं की है। मैंने सदन के सारे रिकॉर्ड दिखवाए हैं, मैं सदन में आवाज़ उठाई है तो DSP से माथा भिड़ाने के बाद अपनी सफाई में आवाज़ उठाई है। राजभर समाज को भाजपा ने, चाहे सुहेल देव एक्सप्रेस चलानी हो, चाहे सुहेल देवेश का भव्य स्मारक बनाना हो, चाहे पिछड़ों की भलाई के राजभर समाज के काम हो, राजभर समाज भाजपा के साथ है। हाँ, इस समय सूपड़ा साफ होने वाला है जहूराबाद और शिवपुर से अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर का, और 10 मार्च के बाद हम इसको गारंटी के साथ कहें। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है, We'll be right back.